हेलो, मेरा नाम है केतन और आप देख रहे हैं ऑल्ट न्यूज। दक्षिण बेंगलुरु से सांसद तेजस्वी सूर्य 4 मई की दोपहर को बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका यानी BBMP साउथ जोन के कोविड वॉर रूम में पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि यहां काम कर रहे 16 लोग रिश्वत लेकर बेड मुहैया कराने के घोटाले में शामिल थे। कई मीडिया आउटलेट्स ने 17 नाम बताए हैं, लेकिन ऑल्ट न्यूज को उस वीडियो में तेजस्वी सूर्य 16 नाम लेते हुए ही सुनाई दे रहे हैं। तेजस्वी ने कथित रूप से घोटाला करने वाले जिन जिन लोगों का नाम लिया वो सभी मुस्लिम समुदाय से आते हैं। तेजस्वी सूर्या ने दावा किया कि उनके पास इन लोगों के खिलाफ सबूत भी हैं। द हिंदू ने 5 मई को रिपोर्ट किया कि इस सूची में नामित अधिकतर लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। तेजस्वी सूर्या के साथ उनके चाचा और बसवानगुड़ी से विधायक रवि सुब्रमण्या, चिकपेट के विधायक उदय गरुणाचार और बोम्मनहली के विधायक सतीश रेड्डी भी मौजूद थे। हम इस पूरे मसले के जो भी पहलू हैं आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको संक्षेप में समझा दें कि मामला कहां से उठा और कौन सा रास्ता पकड़कर यहां तक पहुंचा कि 16 नाम व्हाट्सएप पर शेयर किए जाने लगे। बेंगलुरु मिरर ने 1 मई को 2 रिपोर्ट्स छापी। पहली रिपोर्ट थी एजेंट 420 और दूसरी खादी इज अर्निंग इट्स बेड एंड बटर। इनमें खुलासा किया गया कि मरीजों को BBMP के पास मदद के लिए जाने पर क्या क्या झेलना पड़ रहा है। कई मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में बेड्स दिए गए और इसके बदले में उनसे मोटी रकम वसूली गई। एक सीनियर नगर निगम अधिकारी ने द हिंदू से बात करते हुए कहा, अब तक जो सामने आया है उससे पता चलता है कि बेड्स मुहैया करने में घपला किया जा रहा है और ऑक्सीजन वाले बेड्स की कमी की आड़ में कुछ लोग इससे पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस संदीप पाटिल ने 5 मई को द न्यूज मिनट से बात की और उन्हें बताया कि इस मामले में 4 आरोपी हैं, रिहान, शशि, रोहित और नेत्रवती। पुलिस ने तेजस्वी सूर्या के आरोप लगाए जाने के बाद पड़ताल शुरू कर दी है। पाटिल ने बताया कि उन्हें 2 लोगों द्वारा किए गए भुगतान का सबूत भी मिला है। इसके अलावा पुलिस ने एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया जिसमें पुलिस वालों ने कोरोना के मरीज के परिजन बनकर बात की और उधर से बेड दिलाने के बदले पैसों की मांग की गई। इस मामले में नेत्रवती और रोहित कुमार रंगे हाथों पकड़े गए। यानी ये तो समझ में आ चुका था कि बेड्स को लेकर खेल हो रहा था, लेकिन तेजस्वी सूर्या ने जो 16 नाम लिए वो सोशल मीडिया पर छा गए। ये सभी नाम मुस्लिम समुदाय से थे, लिहाजा इसमें सांप्रदायिक एंगल भी जुड़ गया और सारा का सारा फोकस इसी पर आ पड़ा। तेजस्वी सूर्या का अस्पताल का वीडियो शेयर किया जा रहा था। वायरल वीडियो में वो हिस्सा दिखाया जा रहा है जिसमें तेजस्वी 16 लोगों का नाम ले रहे हैं और स्पेशल कमिश्नर तुलसी मेड्डीनेनी से सवाल कर रहे हैं कि आपको आखिर निगम के लिए नियुक्त किया गया है या मदरसे के लिए। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर इन 16 लोगों को आतंकवादी बताते हुए मैसेज शेयर किया जाने लगा। आपको बता दें कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कई राज्यों ने 24/7 कॉल सेंटर्स खोले हैं जो लोगों को संक्रमण के लक्षणों पर मेडिकल सलाह से लेकर हॉस्पिटल में बेड बुकिंग आदि में मदद कर रहे हैं। ऑल्ट न्यूज को साउथ BBMP कोविड वॉर रूम के सभी कर्मचारियों की लिस्ट मिली। इस लिस्ट में 205 कर्मचारियों के नाम है और साथ में उनके मोबाइल नंबर, उनकी शिफ्ट से जुड़ी जानकारी, ज्वाइनिंग की तारीख और टीम का नाम लिखा हुआ है। इन लोगों की निजता का ख्याल रखते हुए ऑल्ट न्यूज इनके नाम नहीं दिखा रहा है। एक नाम को छोड़कर बाकी सभी BBMP के कर्मचारियों की सूची में हैं। इनमें से अधिकतर लोग अप्रैल के आखिरी हफ्ते में ही नियुक्त किए गए थे। इसके बाद हमने स्पेशल कमिश्नर तुलसी मेड्डीनेनी से बात की। उन्होंने बताया कि बाकी कर्मचारियों की तरह ये लोग भी थर्ड पार्टी के जरिए योग्यता के आधार पर ही काम पर रखे गए थे। भर्ती करने वाली इस थर्ड पार्टी एजेंसी का नाम क्रिस्टल इंफोसिस्टम है। हमने क्रिस्टल इंफोसिस्टम के प्रोजेक्ट मैनेजर शिवु नाइक से संपर्क किया। उन्होंने हमें बताया कि 16 लोगों में से 11 को 4 मई को हिरासत में लिया गया था और 5 मई की सुबह तक थाने में ही रखा गया। उन्होंने हमें यह भी बताया कि वायरल हुए 16 कर्मचारियों में से जिनका नाम BBMP की लिस्ट में नहीं है वो असल में वहां के एक पुराने कर्मचारी हैं। वहीं DCP हरीश पांडे ने गिरफ्तारी वाली बात से साफ इनकार कर दिया, लेकिन द न्यूज मिनट का कहना है कि उनके रिपोर्टर की उन लोगों से मुलाकात हुई थी जब उन्हें 5 मई को जयानगर पुलिस स्टेशन से छोड़ा जा रहा था। इसके बावजूद जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने भी किसी भी तरह की गिरफ्तारी या हिरासत में लिए जाने या समन भेजने से साफ इनकार किया। फिर हमने उन पीड़ितों से बात की जिनके नाम इस पूरे मनगढ़ंत मसले में घसीटे गए। हमने एक एक कर सभी से बात करने की कोशिश की, लेकिन अंत में महज एक शख्स ऑल्ट न्यूज से बात करने को तैयार हुआ। उनकी एक शर्त थी कि उनका नाम पब्लिक नहीं होना चाहिए। हमने उनकी इस रिक्वेस्ट का पूरा ख्याल रखा। उन्होंने कहा, तेजस्वी सूर्या के मीडिया को संबोधित किए जाने के ठीक बाद हम सभी को निकाल दिया गया। जब मैंने अपने मैनेजर से जवाब मांगा तो उन्होंने कहा कि उन पर सांसद का दबाव है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब मेरे साथ क्यों हो रहा था। मेरे घर में एक ही शख्स है जो कमाने वाला है।
इसके बाद हमने उन मैनेजर से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। यहां हम आपको बता दें कि क्रिस्टल इंफोसिस्टम के प्रोजेक्ट मैनेजर शिवू नाइक ने कहा कि 16 में से किसी भी व्यक्ति को निकाला नहीं गया है, बस उन्हें पुलिस की जांच खत्म होने तक सस्पेंड किया गया है। जिस एक कर्मचारी से हमारी बात हुई थी, हमने उनसे लोगों की गिरफ्तारी या उन्हें हिरासत में लिए जाने के बारे में भी पूछा। उन्होंने कहा, रात की शिफ्ट में काम करने वाले कुछ लोगों को 5 मई को गिरफ्तार कर जयानगर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। हम में से बाकी लोग खुद पुलिस स्टेशन गए और अपने कॉल रिकॉर्ड और बैंक रिकॉर्ड चेक करने को कहा, ताकि उन्हें पता चले कि हम लोग निर्दोष हैं। हमने वायरल हो रहे व्हाट्सएप टेक्स्ट का भी मुद्दा उठाया, जिसमें हमें आतंकी बताया जा रहा है, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। दोपहर 3 बजे हमें मालूम पड़ा कि जहां काम करते हैं वहां प्रदर्शन हो रहा है, तो हम सब वहां पहुंचे। वहां पत्रकारों ने हमारा बयान लिया, लेकिन जब हम प्रदर्शन में आगे जाने की कोशिश करने लगे तो बीबीएमपी अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने हमें रोका और कहा कि अगर हम इसमें शामिल हुए तो हमें जेल तक जाना पड़ सकता है। हमने उनसे बीबीएमपी में उनकी नौकरी के बारे में अपडेट के बारे में भी पूछा, तो उन्होंने कहा, अभी कुछ नहीं पता है और जिस तरह से हम लोगों के साथ बर्ताव किया गया है, वहां दोबारा काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, मैं दूसरी जगह काम ढूंढ रहा हूं। अब बात करेंगे तेजस्वी सूर्या के उस दावे की, जिसके अनुसार उनके हस्तक्षेप के पहले बीबीएमपी वेबसाइट पर एक भी बेड खाली नहीं दिख रहा था। 4 मई को प्रेस से बात करने के बाद तेजस्वी सूर्या ने एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा कि उनके संज्ञान लेने के बाद बीबीएमपी वेबसाइट पर 1504 बेड खाली दिखाए जा रहे हैं, जबकि पहले वहां एक भी खाली बेड नहीं दिख रहा था। यहां आपको बता दें कि ये 1504 बेड सरकारी मेडिकल कॉलेज, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट अस्पतालों में खाली बेड्स की कुल संख्या है। और तेजस्वी सूर्या का कहना है कि उनके हस्तक्षेप के बाद ही ये खाली बेड्स दिखाए जा रहे हैं। ऑल्ट न्यूज ने बीबीएमपी की वेबसाइट के 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 2 मई और 3 मई के आर्काइव वर्जन देखे। आर्काइव यानी इन 4 दिनों में वेबसाइट के पन्ने जैसी भी हालत में दिखते हैं वैसे ही इन्हें सेव कर लिया गया। हमने यही सेव किए गए वेबसाइट के पन्ने देखे। हमें मालूम चला कि 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 2 मई और 3 मई को क्रमशः 1716, 1837, 1180 और 1506 खाली बेड्स दिखाई दे रहे थे। यानी तेजस्वी सूर्या जो भी कह रहे थे वो सच नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके बीबीएमपी पहुंचकर वहां बवाल काटने से पहले ही वहां के कमिश्नर गौरव गुप्ता ने ट्वीट करके बताया था कि 11 बजे के करीब 2000 के आसपास बेड्स खाली थे। इसके बाद आएंगे बीबीएमपी के जॉइंट कमिश्नर सरफराज खान पर, जिन्होंने अपना नाम इस मामले में घसीटे जाने पर मामला दर्ज करवाया है। देखने पर मालूम पड़ता है कि उनका नाम इसलिए आया क्योंकि वो भी मुसलमान है। 16 लोगों को बदनाम करने वाले वायरल मैसेज में जॉइंट कमिश्नर सरफराज खान का नाम लिखते हुए कहा गया कि उन्हें इस बात का जवाब देना होगा कि मुस्लिम समुदाय के 16 लोगों को क्यों भर्ती किया गया। उन्होंने फेसबुक पर बताया कि बीबीएमपी में उनका काम वेस्ट मैनेजमेंट का है, न कि कोविड वॉर रूम का। द न्यूज मिनट ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने इस मामले में अपना नाम घसीटे जाने के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया है। वहीं मीडिया के रिएक्शन को देखें तो न्यूज एक्स, रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ ने तेजस्वी सूर्या द्वारा बीबीएमपी बेड स्कैम का खुलासा करने के लिए खूब वाहवाही की, लेकिन किसी ने भी सूर्या से उन 16 मुस्लिम व्यक्तियों के खिलाफ जुड़े सबूत पर कोई सवाल नहीं किया। तेजस्वी सूर्या की इस हरकत का आफ्टर इफेक्ट भी हुआ। 16 लोगों के अलावा और भी लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड सेंटर के एक स्टाफ ने बताया कि आपातकाल वाले कॉल्स का जवाब देना अब मुश्किल हो चुका है। उन्होंने कहा, अगर हम कहते हैं कि आईसीयू बेड्स खाली नहीं है तो लोग हमसे हमारा धर्म पूछने लगते हैं, कुछ लोग पैसे देने की बात करते हैं तो कुछ लोग गाली बकने लगते हैं। ये भी मालूम चला कि कुछ कर्मचारी काम पर नहीं आ रहे हैं तो कुछ ने काम ही छोड़ दिया है। साउथ जोन वॉर रूम में एक दिन 40% स्टाफ काम पर नहीं आया था। इसी बीच ये भी कहा जा रहा था कि तेजस्वी सूर्या ने वॉर रूम जाकर माफी मांगी है, लेकिन 10 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ किया कि उन्होंने किसी से भी कैसी भी माफी नहीं मांगी है। आखिरी अपडेट मिलने तक ये मालूम चला है कि बीबीएमपी 11 लोगों को वापस नौकरी पर रख रही है, क्योंकि इन 11 लोगों ने अपने सस्पेंशन को खत्म करने की अर्जी दी थी, क्योंकि उनका ये काम उनकी कमाई का एकमात्र जरिया था जिस पर सवाल खड़े हो रहे थे। बाकी लोगों ने ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की।